हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ मास, है ना। मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ लिया था, उसमें दो टाइप्स का मास मिला था। एक मास कौन सा था, इनर्शियल मास, और दूसरा मास कौन सा था, ग्रेविटेशनल मास, ठीक है ना। तो वो मास पढ़ लिया। उससे भी पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लेंथ का मेजरमेंट, है ना, स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट और लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टाइम है क्या चीज़, है ना। आपसे कोई पूछे टाइम को डिफाइन करो तो आप सकते में आ जाओगे, पता नहीं क्या पूछ लिया है ये, है ना। टाइम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा सा एटलीस्ट हमारे लेवल के लिए, है ना। हम लोग जब आपसे पूछा जाए, आप जब टेंथ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जाए टाइम को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे, आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है टाइम का, है ना। तो बचपन में टाइम को बताया भी नहीं जाता है कि टाइम क्या है, टाइम कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी भी हम कंप्लीट सेटिस्फैक्शन वाला वो नहीं दे सकते, है ना। टाइम अलग अलग लोगों का अलग अलग ख्याल थे इसके बारे में, है ना। कोई टाइम को कुछ और कह रहा था, कोई टाइम को कुछ और कह रहा था, हम कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सभी का मिला जुला के किसी एक ही फैक्टर पे पहुंच रहे थे, है ना। तो अल्टीमेटली सबका डेफिनेशन कुछ एक जैसा ही होता था, है ना। तो उसमें एक बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन का कहना था ना कि टाइम जो है सिंपली वो होगा जो एक क्लॉक रीड करेगा, ठीक है। टाइम सिंपली क्या होगा, जो एक क्लॉक रीड करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे, ठीक है। तो उसी बेसिस पे दुनिया बहुत सारा कंक्लूजन निकाला कि दुनिया में जो कोई भी फिनोमेना है, ठीक है, कोई भी घटना है जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, दुनिया का कोई भी घटना जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, उसे हम लोग टाइम स्टैंडर्ड कह सकते हैं, या हम उसे यूज कर सकते हैं एज अ टाइम स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि दुनिया का कोई भी फिनोमेना जो क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है हर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद, तो उसे हम लोग टाइम स्टैंडर्ड जैसा यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप पुराने जमाने में देखते होंगे, आपके दादाजी, आपके दादा से भी जो सीनियर थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, सन को देख के टाइम बता देते थे, है ना, कि अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम हो रहा है। तो पहले जो होते थे, गांव में चले जाओ तो वहाँ वॉचेस नहीं होते, मतलब घड़ी नहीं होता था, है ना। तो घड़ी जब नहीं होता तो क्या वो लोग टाइम से अनभिज्ञ रहते थे, बिल्कुल नहीं रहते थे। एक अप्रॉक्सीमेशन उनको भी पता चलते रहता था, किससे, सन को देख के, है ना। इवन तारों को भी देख के बहुत लोग वो बता देते हैं, चंद्रमा को देख के बहुत लोग मतलब टाइम को बता देते हैं, रात का, है ना, रात में चंद्रमा को देख के टाइम बता, तो ये कैसे पता चलता था। तो सूरज को देख रहा है मतलब वो रिपीट करता है अपने आप को, सूरज जो सन है अपना वो रिपीट करता है अपने आप को, जैसे आज 11 बजे इस मतलब बिल्कुल इस एंगल के सामने एकदम इधर, है ना, तो अगले दिन 11 बजे भी इधर ही आएगा। तो ऐसे करके हम लोग एक जजमेंट बना लेते हैं कि 11 बजे के आसपास लगभग सन इधर रहेगा, लगभग 12 बजे यहाँ रहेगा, तो 1 बजे यहाँ रहेगा, 2 बजे, तो ऐसे करके हम लोग एक जजमेंट बना के उसके बाद टाइम को रीड करते हैं। तो देखो ये क्या है, रिपीटेटिव फिनोमेना है, ठीक है। कैसे रिपीटेटिव, कैसे, क्योंकि देखो हर 12 घंटे बाद क्या हो रहा है, सन अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे ध्यान दो कि 12 घंटे पहले, ठीक है, सॉरी 24 आवर पहले क्या हुआ था, सन बिल्कुल मेरे सर पे था। सपोज करो अभी 12 बज रहे, दिन के 12 बज रहे, है ना, तो सन बिल्कुल सर के ऊपर था। फिर अगले दिन 12 बजे क्या होगा, बिल्कुल सन सर के ऊपर होगा। फिर अगले दिन 12 बजे क्या होगा, बिल्कुल सन सर के ऊपर होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सन अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, सन अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है। तो इसे हम लोग एज ए टाइम स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। तो दुनिया में बहुत सारा ऐसा फिनोमेना है जिसे हम लोगों ने टाइम स्टैंडर्ड जैसा यूज करना चाहा, है ना, इवन यूज भी किया, जैसे बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है, बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो क्या करते रहता है, उसमें वाइब्रेशन होता रहता है ना, बीट करते रहता है वो। तो वो क्या है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, क्योंकि आप जानते हो कि एक मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 72 उसका कुछ भी जो व्हाटएवर जो भी है, तो वो क्या करता है, मतलब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है ना। इसका ओसिलेशन ऑफ पेंडुलम हम लोग जो बनाते हैं ऐसे, तो ये ओसिलेट करते रहता है, तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। इसे भी हम लोग टाइम स्टैंडर्ड जैसा यूज कर सकते हैं, ओसिलेशन ऑफ पेंडुलम को भी हम लोग टाइम स्टैंडर्ड जैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, जो अर्थ है अपना, वो भी अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो वो भी कितने देर में, 24 आवर में हमेशा एक चक्कर ऑलमोस्ट लगा लेता है, है ना, 24 आवर में एक चक्कर लगा लेता है, तो इसको भी हम लोग टाइम स्टैंडर्ड जैसा यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी है, ठीक है ना, कि 365 दिन में ऑलमोस्ट क्या करता है, एक चक्कर ये लगा लेता है ना, किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। तो देखो सन का रिवॉल्यूशन दो तरीके से होता है, नंबर 1 कौन सा, कि अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और नंबर 2 कौन सा, तो सन के अराउंड घूम रहा है। तो ये जो चारों पांचों चीज़ें हैं, है ना, जिसको भी मैंने बताया, पहले क्या बताया, बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है, नंबर 2 क्या बताया,
पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, नंबर तीन क्या बताया उस रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, चौथा क्या बताया सन के अराउंड जो रोटेट कर रहा है, ये सब सभी क्या है रिपीटेटिव फिनोमेना है ना। रिपीटेटिव फिनोमेना कैसे, मतलब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को क्या करता है रिपीट करता है। इसलिए हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, टाइम स्टैंडर्ड जैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, इन सब चीजों में ये देखा गया कि एरर बहुत ज्यादा आता था। एरर का मतलब क्या, जैसे क्या होता था कि कभी कभी जो सन है सॉरी अर्थ है वो एक पूरा अपने अबाउट अपने एक्सिस के अबाउट एक चक्कर लगाने में कभी कभी वो 24 घंटा, कभी कभी 24.1, कभी कभी 23 घंटे में ही पूरा कर लेता था। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था है ना, तो ये इसमें एरर ज़्यादा आता था। ह्यूमन हर्ट में भी वही था कि अगर आप थोड़ा सा थके हुए हैं है ना, या फिर थक रहे हैं या फिर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो आपका ह्यूमन का जो हार्ट बीट होता है वो तेज हो जाता है, तो एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो बढ़ जाते हैं, तो फिर उससे भी उसको टाइम स्टैंडर्ड जैसा यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें भी एरर बहुत आने का संभावना बढ़ जाता है। एरर समझ रहे ना आप लोग है ना, जो मेजरमेंट है वो सही नहीं आ रहा है फिर है ना, उसी को एरर कहते हैं। अच्छा और भी फिर क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशन ऑफ सन था सॉरी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ था अराउंड द सन, वो भी क्या हुआ, उसमें भी कभी 365 होता है कभी 366 हो जाता है, 366 डेज जो लीप ईयर होता है अपना, तो इसमें भी बहुत सारा एरर आ रहा था। तो कुछ ऐसा ढूंढा जाए, लोगों ने सोचा कुछ ऐसा ढूंढा जाए जिसमें एरर का बहुत कम से कम संभावना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या ढूंढा, सीजियम। सीजियम 133 एक एटम होता है, ठीक है ना, ध्यान दें, सीजियम 133 एक एटम होता है, ठीक है ना, जिसका एक इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने यूज किया है टाइम स्टैंडर्ड। ध्यान से, सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके वाइब्रेशन को हम लोगों ने यूज किया है टाइम स्टैंडर्ड। तो देखा गया कि सीजियम एटम जो है इसका जो वाइब्रेशन हो रहा था है ना, सीजियम एटम का वाइब्रेशन जो हो रहा था, सीजियम कौन सा, सीजियम का ये 133 वाला है ना, इसमें बहुत सारा वो होता है उसका टाइप्स होता है, तो सीजियम 133 एटम वाला जो था उसके वाइब्रेशन को हमने टाइम स्टैंडर्ड जैसा यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि इसका एक्यूरेसी जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड थे उससे सबसे ज़्यादा था। फिर से, जो सीजियम 133 का एक्यूरेसी था ये क्या था, सबसे ज़्यादा था, जिसके कारण हमने किसको यूज किया, सीजियम को ही यूज किया। और इसमें ऑलमोस्ट एक साल में, वन ईयर में ये कितना देता था एरर, 3 माइक्रोसेकंड का एरर देता था, 3 माइक्रोसेकंड यानी 3×10⁻⁶ सेकेंड, यानी इसका मतलब है 3 सेकेंड का 10⁻⁶ पार्ट इतना एरर देता था, जो बहुत कम एरर है ना। इसलिए हम लोग अभी तक इसी को यूज करते आ रहे हैं, किसको, सीजियम 133 एटम के वाइब्रेशन को है ना, सीजियम 133 एटम के वाइब्रेशन के पीरियड को ही हम लोग टाइम स्टैंडर्ड जैसा अब तक यूज कर रहे हैं, बिकॉज इसका जो क्या था, एरर था है ना, इसमें जो एरर आने का पॉसिबिलिटी होता है वो बहुत 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 कम है, जिसके कारण हम लोग इसे प्रेफर करते हैं, ठीक। अब हम लोग इसी पूरे बात को एक बार लिखेंगे बोर्ड पर ढंग से, उसके बाद नोट करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, टॉपिक एंड हो जाएगा, ओके। तो देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज सिंपली व्हाट ए क्लॉक रीड, यही मैंने बताया था आपको कि आइंस्टाइन का कहना क्या था कि जो भी क्लॉक रीड देता रीडिंग देता है ना, वही क्या है, टाइम है। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ और ऐड किया था कि इन ऑफ एनी फिनोमेना दैट रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, कोई भी घटना जो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एकदम जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज वही लिखा हुआ है, ठीक है, एनी फिनोमेना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड एज टाइम स्टैंडर्ड। उसे कैसे यूज कर सकते हैं, टाइम स्टैंडर्ड जैसा। एग्जांपल के तौर पे पहला लिया हमने बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट भी क्या करता है, कंटिन्यूअसली बीट करता है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, वहाँ पे केसेस जब बदल जाते हैं क्या, कि जब आप थक जाते हो या अभी वर्क करने लगते हो तो आपका बीट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ह्यूमन बीट का है ना। तो उसमें बीटिंग जो होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम है ना, इसमें भी कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जाए तो ऑसिलेशन पेंडुलम का ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस जानते हो 24 आवर के ऑलमोस्ट होता ही है ना। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये भी लगभग 365-366 दिन का होता है। और पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम, ये सब कुछ टाइम स्टैंडर्ड था जिसे हम लोगों ने यूज किया। और इससे पता ये चला कि सबसे जो एक्यूरेट आया इन सब में तो बहुत सारा एरर आ रहा था इन सब में, जैसे बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, जब आप थकते हो तो ये बीट रेट बढ़ जाता है, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, जी वगैरह का वैल्यू बदलता है, हवा तेज हो गया कम हो गया, यानी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ये भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस कभी 24 घंटा में, कभी 24 घंटा से ज़्यादा, कभी थोड़ा कम है ना, इस प्रकार से ये रोटेशन होता है।
इसमें भी कुछ एरर आ जाता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कभी 365 दिन कभी 366 दिन, तो ये तो पूरा 24 घंटा का फर्क ला देगा, है ना, हर 3-4 साल में, तो क्या करोगे, वहाँ तो फंस जाएंगे ना हम लोग, तो क्या होगा, इसीलिए हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते। तो लास्ट में हमारे पास बचता है पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम। सीजियम 133 एटम जो है ये बहुत एक्यूरेट है, ठीक है, इसके वाइब्रेशन पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मतलब टाइम पीरियड जो वाइब्रेशन का है ना, इसमें बहुत रेयर फर्क आता है, बहुत माइनर फर्क आता है, और इतना कम फर्क आता है कि एक साल में ये सिर्फ और सिर्फ 3 माइक्रोसेकेंड का एरर देता है, ठीक है ना, जो बहुत कम टाइम है। फिर इवन आप उस चीज़ को एनालाइज भी नहीं कर सकते हो कितना कम है, 3 सेकेंड का 10^6 पार्ट बहुत छोटा टाइम होता है, और इतना कहीं ये एरर देता है, इसीलिए हम लोग इसी को नाउ एट प्रेजेंट हम लोग किसको यूज़ करते हैं टाइम स्टैंडर्ड के फॉर्म में, सीजियम 133 एटम के वाइब्रेशन को ही यूज़ करते हैं, उसके पीरियड को, ठीक है ना। आप इसको एक बार नोट कर ले पॉज करके, उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे डायमेंशंस, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ डाल सकते हैं, और जो भी डाउट्स है उसे भी आप डाल दें। नोट्स हर एक लेक्चर को आप चेक करें, है ना, बहुत बच्चों का शिकायत आ रहा है कि सर नोट्स नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स नहीं है, तो आप हर एक लेक्चर को चेक करें, हो सकता है कि उस लेक्चर का भी नोट्स तो किसी दूसरे लेक्चर में मिल जाए पूरा का पूरा, है ना। तो मैं एक बार कोशिश करूँगा कि सारा का सारा नोट्स एक ही किसी एक लेक्चर में दे दिया जाए, लेकिन हर एक लेक्चर में कोशिश रहेगा कि दिया जाए, और आप चेक करते जाना, खुद आपको पूरा वो नोट्स मिल जाएगा, क्लियर है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, अगले क्लास में मिलते हैं डायमेंशन के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, और अच्छे से रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें।